भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना को करीब 4 लाख मतों से पराजित किया। आंजना मतगणना के शुरुआत से लेकर अंत तक एक भी राउंड में बढ़त नहीं बना पाए और राउंड दर राउंड पिछड़ते गए। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके गृह क्षेत्र निम्बाहेड़ा और प्रतापगढ़ से भी बुरी तरह हार गए। शाम करीब 4 बजे बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। सांसद जोशी को 3,79,877 वोटों से विजेता घोषित किया गया। खास बात यह रही कि कांग्रेस अलायंस में शामिल भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मांगी लाल निनामा 42,000 से अधिक वोट ले गए। शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रातः 8 बजे मतगणना का दौर शुरू हुआ। इससे पहले दौर में ही सांसद जोशी ने बढ़त बना जो अंत तक बनी रही। हालांकि 10 राउंड के बाद बढ़त की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ पाए। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जोशी को 3,79,877 मतों से विजेता घोषित किया। उन्होंने बताया कि जोशी को 8,88,202 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आंजना को 4,98,325 मत मिले और जोशी जीत गए। लोकसभा क्षेत्र में नोट सहित कुल 19 प्रत्याशी मैदान में थे, जिससे आप पार्टी के उम्मीदवार निनामा 42,812 वोट ले गए। जैसे जैसे भाजपा उम्मीदवार जोशी की बढ़त बढ़ती रही, पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता गया। बड़ी संख्या में मतगणना स्थल के बाहर कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता लगभग 10 से लेकर 11 लाख के बीच जीत का अंतराल का दावा कर रहे थे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जोशी करीब 5.75 लाख मतों से जीते थे। पार्टी नेता चुनाव का रिकॉर्ड टूटने की आस में थे। तमाम प्रयासों के बावजूद जोशी खुद का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए। इसी के साथ गंगरार इलाके में फसल की सिंचाई करते करंट की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। हालांकि परिजन तत्काल ही उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंच गए, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी सांसें उखड़ गई। सूचना पर सहायक पुलिस उप निरीक्षक देवी सिंह कांस्टेबल फूलचंद के साथ अस्पताल पहुंचे। घटना तालेड़ी गाँव की है। 60 वर्षीय श्याम प्रसाद पुत्र मांगी दास वैष्णव आज सुबह खेत पर ज्वार की फसल को लेकर पानी देने गए थे। वहां जैसे ही उन्होंने मोटर स्टार्ट करने के लिए स्विच ऑन किया, वैसे ही करंट के झटके के दूर साथ जा गिरे और बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनका पुत्र कृष्ण कुमार चाय लेकर खेत पर पहुंचे तो अपने पिता को बेहोशी की हालत में पाया। परिजनों के साथ श्याम दास को हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कृष्ण कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। देवतुल्य संता जनार्दन के आशीर्वाद से और हमारे बहुत ही परिवार के हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सहयोग से यहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ विजयशी हुई। उसके लिए हमने कई बार जो अपेक्षा की जाती है बड़ी सिर्फ हाजिर नहीं अपने निजी जीवन में भी और बाकी क्षेत्रों में हम देखें तो व्यक्ति कभी भी जो सोचता है वो समझ नहीं उसके पीछे नहीं कारण निश्चित रूप से उन कारणों तक पहुँचा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार निरीक्षण करता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कांग्रेस ऐसी